हेलो दोस्तों, तो आज हम समझने वाले हैं डिफरेंशियल के बारे में। तो डिफरेंशियल बड़ा ही इंटरेस्टिंग चीज़ है यार। देखिए, हमारे पास यहाँ पे एक वर्किंग मॉडल है। जब हमारे पास शाफ्ट, जो प्रोपेलर शाफ्ट से पावर आती है इंजन से, तो इंजन की पावर जो है वो शाफ्ट को रोटेट करेगी इस तरह से। अब हमें जाना है बिल्कुल सीधा। जब हम स्ट्रेट पे रोड पे सीधा चलते हैं तो हमारे व्हील्स चलते हैं बिल्कुल एक साथ, बराबर चलेंगे, ये इस तरह से चलेंगे। लेकिन जैसे कि हमने राइट टर्न लेना है, इस तरह से आप देखोगे तो इस तरह से टर्न लेना है। जब आप इस तरफ से टर्न लेते हो तो ये वाले व्हील, जो अंदर वाला व्हील है, वो कम चलना चाहिए, क्योंकि भाई साहब इसका सर्कल कम है और इसका सर्कल ज़्यादा है, तो इसने कम रोटेट करना चाहिए इसको और इसको ज़्यादा। ये कौन करे, ये डिफरेंशियल करता है। पहले तो मैं आपको सीधा दिखा दूं कि ये मूव कैसे करता है। देखो, अगर सीधा चल रहे हैं तो स्ट्रेट, अगर चलेंगे तो ये देखो, रोड पे चल रहे हैं तो दोनों जो व्हील हैं वो एक साथ चल रहे हैं, दोनों व्हील एक साथ चल रहे हैं, उनमें कोई भी डिफरेंस नहीं होगा, स्पीड का कोई भी डिफरेंस नहीं होगा, वो बड़ा आसान है। लेकिन जैसे ही हम टर्न लेते हैं तब क्या होता है वो देखिए। अब जैसे ही टर्न लेंगे तो होगा क्या कि ये वाला व्हील कम रोटेट करना चाहिए। अगर मैं इसको एक तरह से पकड़ लेता हूँ, ये देखिए, अगर मैं इसको पकड़ लेता हूँ तो भी इसके ऊपर पावर ट्रांसमिशन हमें यहाँ पे देखने को मिल सकती है। आप देखिए इसकी मोशन, आप देख सकते हैं व्हील जो है ये ज़्यादा रोटेट कर रहा है, ये चाहे रुक भी गया तो भी कोई प्रॉब्लम नहीं, ये रोटेट कर रहा है। तो ये करामात किसकी है, ये डिफरेंशियल की। इसके अंदर का वर्किंग मैं आपको अभी समझा रहा हूँ, डोंट वरी। अगर मैं इसको पकड़ता हूँ, देखो, अगर मैं इसको पकड़ता हूँ तो भी वो वाला चल रहा है, ये क्या चक्कर है, ये कैसे कर रहा है। तो ये डिफरेंशियल का काम है मेरे भाई, ये डिफरेंशियल का काम है। तो अभी आपको दिखाता हूँ इसके अंदर के हालात क्या है। देखिए, तो गियर के अंदर के, देखिए, यहाँ से प्रोपेलर शाफ्ट से पावर आई, ये पावर मिलेगी बड़े गियर को, ये वाला गियर देख सकते हैं, इस बड़े गियर को। अब ये रोटेट करता है, देखिए, आप इसको रोटेट करते हो तो ये देखिए, आप बड़े गियर को रोटेट कर रहे हो, ये वाला बड़ा गियर जो है वो रोटेट हो रहा है, लेकिन अंदर वाले गियर चुपचाप बैठे हैं बेचारे, वो घूम नहीं रहे, मतलब ये रोटेट नहीं कर रहे हैं। ये देखना, अब देखो, बिल्कुल शांत है वो बेचारे, ये देखिए, बिल्कुल शांति से आराम से बैठे हैं वो खुद हिल नहीं रहे। लेकिन जैसे ही मैं इसको या इसको, किसी भी एक को पकड़ लेता हूँ, ठीक है, मैं मान लीजिए इसके ऊपर ऐसे फोर्स लगाता हूँ, ये मैंने हमने स्पेशल लगा रखा है इसको लॉक लगाने के लिए, कि हमारे पास यहाँ पे अगर लॉक लगाना चाहते हो कि व्हील जो कम रोटेट करे, तो मैं अगर इसको रोटेट कर देता हूँ, ये देखिए इस तरह से, अब ये फिक्स कर दिया मैंने, ये नहीं रोटेट करेगा। अब देखते हैं अंदर क्या होता है। ये देखिए, अंदर ये हाल है कि जो गियर है वो अंदर वाले जो गियर हैं वो चलना स्टार्ट कर देंगे। तो ये देखिए हमारे पास, भाई साहब ये वाला नोट करना है इस गियर को, ये देखो रोटेट कर रहा है, ये चीज रोटेट कर रही है, तो गियर जो है अंदर वाले रोटेट करना स्टार्ट कर देंगे। तो यही काम जो होता है ये डिफरेंशियल का होता है। ये देखिए, तो ये रोटेट कर रहा है अभी, लेकिन ये गियर नहीं रोटेट करता, आपको दिखेगा, क्योंकि ये आगे इसको पावर दे रहा है। तो ये मैं अगर इसको खोल देता हूँ और इसको पकड़ लेता हूँ, ठीक है, दूसरे को पकड़ लेता हूँ, तो उसके कारण क्या होगा, ये देखिए, अब मैं, ये देखो रोटेशन, देखो आप एक बार उसके अंदर वाला गियर जो है कौन सा मूव कर रहा है, ये चीज नोट करो, ये देखो, ठीक है, आप जब देखोगे इसको, ये देखो, तो कौन सा रोटेट कर रहा है, तो वो जो हमने नहीं पकड़ा उसको वो रोटेट कर रहा है। तो ये गियर के अंदर की वर्किंग होती है। आई होप कि आपको डिफरेंशियल की वर्किंग समझ आ गई। अगर आप SSC JEE की तैयारी करना चाहते हैं, यहाँ पे ऐप का लिंक दे रहा हूँ, ऐप जरूर डाउनलोड करें। थैंक यू सो मच।